गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुजीत और मैं आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को लेकर आया हूं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस एग्जाम को कैसे आप सॉल्व करेंगे मैं आपको आज फिर से सिखाऊंगा। तो इसमें से आज मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ और दो क्वेश्चन में ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो जो है एग्जाम में काफी है आपका टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन बाय कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको हम बोले थे कि आप जब इक्वल का ध्यान रखिएगा, इक्वल के इस साइड वाले को क्या बोलते हैं एलएचएस, इधर वाले को क्या बोलते हैं आरएचएस। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको एलएचएस सॉल्व करना है कि आरएचएस सॉल्व करना है या दोनों को ही सॉल्व करना है, और दोनों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई किधर से करिएगा, एलएचएस से ट्राई करिएगा, उसके बाद आरएचएस की ओर बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं और आपका फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड है, ये फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ tan थीटा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय cot थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ पर आप वही करने वाले हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेगा cos थीटा, और डिवाइडेड बाय जो मेन डिवाइडेड बाय है उसके बाद क्या लिखा हुआ 1 माइनस cot थीटा, तो आप 1 लिखिएगा, और cot थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, तो आप लिखिएगा cos थीटा बाय sin थीटा यहां लिखिएगा। उसके बाद ये वाले वैल्यू को फिर से सॉल्व करिएगा, यहां लिखिएगा प्लस का साइन दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है cot थीटा, तो आप cot थीटा को फिर से क्या चेंज कर सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, तो आप यहां लिखिएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखते हैं ये में क्या है 1 माइनस tan थीटा को आप क्या लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा लिखिएगा, तो यहां लिखिएगा आप sin थीटा बाय cos थीटा लिखिएगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर देख रहे हैं कि आपको क्या लेना पड़ेगा, शायद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पर इसको ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या लेना है एलसीएम, और ये मेन डिविजन है, तो ये जो है आपका वैल्यू क्या हो जाएगा sin थीटा बाय हो जाएगा आपके पास cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो sin 1 और sin का एलसीएम लेंगे तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा sin थीटा आ जाएगा, तो sin थीटा यहां लिखेंगे और माइनस यहां लिखेंगे cos थीटा, फिर यहां प्लस का साइन दीजिए क्योंकि यहां प्लस का साइन है, इसके बाद यहां लिखिएगा cos थीटा। ठीक है, और बाय लिखिएगा यहां पर क्या sin थीटा, तो यहां पर लिख देते हैं sin थीटा। फिर यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या लेना है 1 और cos एलसीएम लेना है, तो आप लिखिएगा एलसीएम में लिखिएगा cos थीटा। ठीक है, और यहां पर क्योंकि cos है यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos थीटा, तो यहां लिखिएगा आप cos थीटा, माइनस का साइन है आप यहां माइनस लिखिएगा, sin थीटा है यहां पर आप sin थीटा लिखिएगा। जरा सा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल मैच तो कर रहा है लेकिन ये उल्टा साइड में, तो आप यहां से साइन सिर्फ चेंज कर लीजिएगा, यानी यहां से साइन माइनस का कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला यहां बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा यहां माइनस, तो ये वाला क्या होगा इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा, तो आप बिल्कुल ये उतार लीजिएगा, इसको सीधा सीधा उतार लेंगे साइन थीटा बाय क्या लिखिएगा आप कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा आप जैसे है वैसे ही उतार लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर लिखिएगा साइन थीटा, यहां पर माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये वाला जो प्लस है यहां माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा और बाय यहां पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा यहां पर कॉस थीटा। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये मेन डिविजन है, ये क्या है आपका मेन डिविजन है, इसको आप साइन क्या करेगा इनटू में चेंज कर देगा, जैसे ही इनटू में चेंज करते हैं तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू हो जाएगा लिखेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू हो जाएगा, ये उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहां पर साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, यहां माइनस का साइन लिखिएगा फिर यहां लिखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहां इंटू का साइन दीजिएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, इस प्रकार से आप लिखिएगा। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इसका वैल्यू का इसके वैल्यू के साथ एलसीएम ले लीजिएगा, तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या बनेगा यहां पर, आपका बनेगा यहां पर ध्यान दीजिए
यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है आपका, नीचे में एलसीएम लेते हैं तो नीचे में बनने वाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर इसका वैल्यू इसके से इंटू हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रहा है तो ये एक ही बार आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा, और साइन को साइन से पैक कर तो यहां जाएगा साइन इंटू एंड साइन इंटू, तो यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा यहां पर। इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, इसी तरह यहां पर ये कैंसिल इसके साथ हो जाएगा, ये कैंसिल इसके साथ हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस कॉस और कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। और नीचे में क्या वैल्यू हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन, तो आपका वैल्यू हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है ध्यान देंगे तो ये वाला क्या देख रहे हैं कि ये वाला डिवाइडेड बाय में है, तो डिवाइडेड बाय में है तो आप इसको क्या करिएगा अलग अलग कर दिएगा, एक बार वन के साथ कर दिएगा और एक बार इसके साथ कर दिएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा आपके पास साइन थीटा और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो अब यहां पर ध्यान रखेंगे तो कॉस साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना वन, तो यहां पर आएगा वैल्यू इसका वन, और वन बाय साइन थीटा का होता है क्या चीज, वन बाय साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, तो आप यहां लिखिएगा कॉसेक थीटा, और वन बाय कॉस थीटा का क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, तो आप यहां लिखिएगा सेक थीटा, और इसका वैल्यू कितना आया वन, तो आप लिखिएगा यहां पर वन। इसको जरा अच्छे ढंग से सजाइएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला वैल्यू यदि मान लिए यहां पर क्या है प्लस में, तो यहां प्लस में आ जाएगा, अब इसको अच्छा से जाएगा तो यहां हो जाएगा वन प्लस यहां पर है, वहां पर देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा लिखा होता है, इसको जस्ट उल्टा लिखते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहां लिखिए सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर आप क्वेश्चन में देखते हैं ये इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या किए हम यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर टेन थीटा को सॉल्व किए हैं साइन बाय कॉस में, कॉट को चेंज किए हैं कॉस बाय साइन में, उसके बाद यहाँ पर कॉट को चेंज किए कॉस बाय साइन में, यहाँ टेन को चेंज किए साइन बाय कॉस में, अब क्या किए हैं इन दोनों का एलसीएम लिए हैं, तो वन और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन होगा, साइन एलसीएम लेने के बाद क्या होता है क्योंकि यहाँ वन है तो एलसीएम लेंगे तो ये वाला वन से डिवाइडेड होगा तो क्या होगा आपके पास वन होगा मतलब साइन होगा, और साइन को वन से पैक करें तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास वन, और वन को कॉस से पैक करें तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, इस प्रकार से आपका इस तरह से यहां पर भी वही चीज हुआ है। उसके बाद आप क्या किए हैं रेशनलाइज किए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो इस प्रकार से एल इज इक्वल टू आर एच एस से यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर इसको बोलेंगे एल एच एस, इसको बोलेंगे MHS और इसको बोलेंगे RHS, तो यहां पर क्योंकि इक्वल दो इक्वल है तो यहां पर ये हो गया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया MHS यानी मिडिल हैंड साइड, और ये हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड, तो आप क्या करिएगा सबसे पहले ये वाला सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व करने के बाद ये लाइएगा, फिर ये सॉल्व करने के बाद ये लाइएगा, और यदि तीनों मैच कर जा रहा है तो यानी कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, मैच नहीं कर रहा यानी गलत दिया हुआ, तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर है LHS, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जरा ध्यान देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां ध्यान दे माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot को उधर करेंगे तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 / cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 / sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 / cos स्क्वायर थीटा इनटू ये उल्टा हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा / 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि यहां देखते हैं sin थीटा / cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहां लिख लीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहां पर MHS को सॉल्व करेंगे। यहां लिखिए MHS यानी मिडिल हैंड साइड, तो मिडिल हैंड साइड में ये वाला वैल्यू का आप यहां सॉल्व करेगा तो लिखिए 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। तो आप क्या करेगा टेन थीटा को चेंज करेगा, टेन थीटा किस में चेंज करेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, और यहां देखिए होल स्क्वायर लिखा हुआ तो यहां पर होल स्क्वायर का ध्यान हमेशा रखिए कि होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसका है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहां कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस प्रकार से आप लिखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा एलसीएम लीजिएगा, इसका क्या कर लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद ये मेन डिविजन है, ये क्या है मेन डिविजन लिखिएगा। उसके बाद फिर इसका एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है तो 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा यहां पर साइन थीटा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए इसको थोड़ा उल्टा करिए, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा जैसे यहां पर उल्टा करेंगे और साथ में इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें क्या करेंगे यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे आपका माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट लिख दिए और यहां पर नीचे में क्या है कॉस थीटा, तो आप यहां कॉस थीटा लिखिए इनटू करिए, ये मेन डिविजन को क्या किए हैं इनटू में चेंज किए हैं, तो आप इनटू में चेंज कर लीजिएगा। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा उल्टा, तो यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा और बाय यहां पर साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर एक बात यहां ध्यान में रख रहे हैं, क्या यहां स्क्वायर है, स्क्वायर यहां पर हम लिख नहीं रहे, लास्ट में लिख दे या हम लिखते चले, सबसे अच्छा होगा कि हम लोग लिखते चले, तो यहां स्क्वायर लिख दीजिए, यहां भी हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं स्क्वायर, और यहां भी हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्योंकि इनटू में है तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहां माइनस है तो माइनस वन बचेगा, तो यहां हो जाएगा माइनस वन, यहां साइन बचा है तो यहां लिखे साइन थीटा और बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 से साइन को इंटू करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का कॉस थीटा और स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो यहां पर देखेंगे एक मिनट, यहां पर स्क्वायर भी बाहर रहने दीजिए, क्या इंटू करेंगे 1 को साइन से इंटू करेंगे तो साइन माइनस का माइनस कॉस कॉस का कॉस रहने देंगे, स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर यहां लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बाय यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस लिखते नहीं तो प्लस को हटा देते हैं और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे इसका वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो आप यहां पर क्या लिखिएगा टेन, क्योंकि स्क्वायर है दोनों में ही तो टेन स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप यहां एलएचएस सॉल्व किए तो यहां टेन स्क्वायर थीटा आया और यहां फिर एमएचएस सॉल्व किए तो भी टेन स्क्वायर थीटा आया, यानी कि आपका क्या हो गया
LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू आपका RHS, इस प्रकार से सॉल्व हुआ और ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।